हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आप लोग सभी अच्छे हैं, हम भी अच्छे हैं। और हम स्टार्ट कर रहे हैं एटीएस टेक इन्फो का एक नया वीडियो। देखिए, यहाँ पर हम एक पैटर्न प्रोग्राम करने जा रहे हैं। इसका मतलब है आप एक पैटर्न प्रोग्राम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके कर सकते हैं। और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और हमारे चैनल में आप अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एटीएस टेक इन्फो एंड आल्सो लाइक एंड शेयर द वीडियो। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। अभी हम देखेंगे सी प्रोग्राम में कैसे हम एक पैटर्न करेंगे, ए बी सी डी का पैटर्न करेंगे। देखिए, टास्क इंक्लूड stdio.h, उसके बाद एंटर प्रेस कीजिए। टास्क इंक्लूड kunio.h, उसके बाद voidman, कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद कैरेक्टर। यहाँ पर तो इंटीजर नहीं होगा, कैरेक्टर होगा, एबीसीडी कैरेक्टर है, इसलिए आई जे। उसके बाद फॉर लूप स्टार्ट, फॉर आई इक्वल टू यहाँ पर होगा ए, सिंगल कोटेशन में ए। उसके बाद सेमीकोलन, आई लेस देन इक्वल टू, अगर आप ई तक लिखना चाहते हैं आपका मर्जी, आप अगर इसको जे तक लिखना चाहते हैं तो जे तक भी आप लिख सकते हैं। अभी यहाँ पर हम कोटेशन देंगे, कोटेशन स्टार्ट करेंगे और एंड करेंगे। उसके बाद ये कैरेक्टर हो गया और यहाँ पर हम सेमीकोलन देंगे, उसके बाद आई प्लस प्लस हो गया, ब्रैकेट को एंड कर देंगे। उसके बाद फॉर लूप में ब्रैकेट देंगे, उसके अंदर और एक फॉर लूप लिखेंगे, फॉर जे इक्वल टू ए, उसके बाद सेमीकोलन, जे लेस देन इक्वल टू आई, उसके बाद सेमीकोलन, जे प्लस प्लस, जो नंबर का प्रोग्राम किया था उसी पैटर्न में ये होगा। इसमें नंबर नहीं आएगा, इसमें एबीसीडी ई तक आएगा, जेड तक आएगा। अगर आप जाते हैं जेड तक आप लिख सकते हैं, आपको मर्जी है। सभी तो सभी का मर्जी में करते हैं। उसके बाद लिख दीजिए जे, ब्रैकेट को एंड कर दीजिए, हो गया प्रिंटफ। उसके बाद यहाँ पर प्रिंटफ स्टार्ट, उसके बाद स्लैश एन न्यू लाइन के लिए, उसके बाद ब्रैकेट को एंड कर दीजिए, सेमीकोलन लिख दीजिए, उसके बाद ब्रैकेट एंड, यहाँ पर गेट सी एच।
प्रोग्राम हो गया खत्म। देखिए ब्रैकेट को एंटर दीजिए, यहाँ पर हम कंपाइल करेंगे, कोई एरर है नहीं। यहाँ पर हम इसको सेव करेंगे, फाइल सेव। अभी हम इसको दे देते हैं char.pat.c। देखिए अभी हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे ये, और उसके बाद आप रन में रन कंट्रोल प्लस F9 इसका सर, यहाँ पर ऐसे आ रहा है A, उसके बाद ABC ABCD ऐसे J तक आ रहा है। इसमें हम कुछ चेंजेस करेंगे। देखिए यहाँ पर हम क्लियर स्क्रीन दे देंगे, डिक्लेरेशन के बाद CLR SCR फंक्शन दे देंगे, ये आउटपुट क्लियर स्क्रीन होके आएगा। कंपाइल करेंगे, नो एरर। उसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर तीन स्पेस दे देंगे परसेंटेज, इसका मतलब है तीन स्पेस में आएगा। रन करके देखते हैं, देखिए बहुत ही अच्छा आ रहा है ना, ए कंटिन्यूसली ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी, एफ, सी, एफ सेपरेट होके आ रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल ATS Tech Info एंड ऑल्सो लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ATS Tech Info एंड ऑल्सो लाइक एंड शेयर द वीडियो टू योर नियर एंड डियर। थैंक यू।